आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना अंतर्गत ग्राम चकबेनी रायपुर की है, जहां पारस चौहान अपनी पुत्री रेखा उम्र 25 वर्ष को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए मौर्य सौरभ नर्सिंग होम रायपुर हाजीपुर में बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था। वही रेखा के पति अनीश चौहान पुत्र राम अवतार चौहान निवासी ग्राम तिरछी थाना दुल्लहपुर ने हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर लाल जी मौर्य के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि मेरी पत्नी के सीने पर चोट के निशान हैं, मुंह के दांत टूटे हुए हैं, हाथ के अगल बगल व पसलियों के बीच में चोट के निशान मालूम पड़ते हैं। जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मेरा फोन मांगा और कहा कि मुझे जरूरी फोन करना है, तुम अपना मोबाइल दे दो। तो मैंने मोबाइल फोन दे दिया और डॉक्टर मेरा फोन लेकर तुरंत वहां से फरार हो गया। इस घटना की तहरीर बहरियाबाद थाना अध्यक्ष को दी गई। अब देखना है कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देखिए एक रिपोर्ट। कब हुआ? ठीक है मरीज? हाँ मरीज ठीक। बच्चे दान का प्रश्न क्यों करवाएंगे? क्या दिक्कत? घूम जाते रहना पानी। उम्र कितनी है? उम्र यहाँ सबसे बड़ा वही है गांव का ना। तुरंत बच्चेदानी का सबसे बड़ा काम होगा बच्चे ना। एक तो पेट खोलो ना, पेट से हुआ होगा। कौन बोला? डॉक्टर साहब ने बोला? वहाँ वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने रिपोर्ट भी बना के दिया मुझे। अच्छा। तो उन्होंने बोला है तो बोले कि झोला ये सब लोगों के पास आप जाते हैं, विश्वास के भरोसे बुलाते हैं, बनास डॉक्टर बुलाएंगे, अपने ही करके औरत लोग को मार डालते हैं मरीजों को। मैं बोला ठीक है। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे गए तो ये वहाँ से भाग गए। मैं बोला सर आप गवाह दीजिए, बताइए उनको आपने क्या मिस्टेक किया है, आप वो सब इलाज करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर ये इधर बहाना बना, ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, ये सिरिंज है। इसके लिए इन्होंने मोबाइल भी लिया। मैं रिपोर्ट मंगा के आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट भी नहीं दिखाएं। तो उसके बाद में फिर वो डॉक्टर साहब को मैंने पैर भी पकड़ा, उन्होंने इसको महिला एक्सपायर कहाँ हुई? वहीं पे हुई। हाँ तो डॉक्टर साहब बोले कि बच्चे की नहीं, इसने मार दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं भगवान के भरोसे शायद जी जाए। उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो हम बोले चलो ठीक है। ठीक होने के बाद में फिर उन्होंने तो ये 10 बजे करीब डेट हुआ। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब जो यहाँ पे गए थे, डॉक्टर साहब जहाँ डेट हुआ वहाँ हमको खबर मिली, ये वहाँ से पीछे के दरवाजे से मोबाइल लेके मेरा भाग गए। ये वहाँ के डॉक्टर सर लोग का अरेस्ट करने का। आपने प्राथमिक दर्ज कराई थाने पे? हाँ, नहीं अभी कराई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर विजय कुमार हूँ, जिला प्रभारी आजाद समाज। हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में महिला का एक मामला आया हुआ है, उसमें वो इलाज के दौरान मर गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए रेखा चौहान नाम की एक बिटिया है, क्षेत्र की बिटिया है। अच्छा। आपके बगल में चकबेनी रामपुर गांव है, इसकी शादी हुई है तिरछी। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ लाए लोग, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम भरोसा करके जाते हैं, लेकिन ये लोग ठीक है आपके बस की बात नहीं तो आप रेफर करो। रेफर करने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, थिएटर में ले जाते हैं, और वहाँ जो स्थिति देखने में मिल रही है ये मेडिकल लापरवाही के साथ साथ ये जानबूझकर की गई हत्या जी। आपकी पसली, बिटिया की पसली टूटी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन देने की कोशिश में पंपिंग करते हैं, बट इतना भी पंपिंग नहीं होती कि आप पसली तोड़ दें, और पूरा ब्लड क्लाट दिख रहा है सामने। पीजीआई के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पसली टूटी हुई स्थिति में हमारे पास आई है, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में मेडिकल एक्ट 15 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, और इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। थाने की भी लापरवाही, पहले के जो भी लोग रहे हैं थाने की भी लापरवाही रही, इनके खिलाफ कभी FIR तो हुआ नहीं। FIR होता और CMO साहब अगर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते तो हॉस्पिटल से हो सकता था। और इस क्षेत्र में चूँकि मेडिकल की काफ़ी लापरवाहियाँ हैं, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जो बने हैं उस पर डॉक्टर बैठते नहीं, तो हमारी मजबूरी होती है क्षेत्र के लोगों की प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है CMO साहब पहले तो इस हॉस्पिटल को सीज करें, और इनके खिलाफ मेडिकल में जो भी धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ, प्लस SO साहब 302 में इनका मुकदमा दर्ज करें। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ के DM और SDM महोदय से निवेदन करूँगा, इसमें जो भी संभव सहायता हो इस परिवार की संभव सहायता करने की। सर बहरियाबाद के हाजीपुर में एक हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु का मामला है, क्या है पूरा मामला? सर
यहाँ पर एक अभी पता चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है जी। तो यहाँ आने पर उनसे बातचीत की गई, पता चला वो यहाँ पर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुई थी जी। और बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने के दौरान उनको बेहोशी की सुई लगी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है जी। अब कार्डियक अरेस्ट में जाने की वजह से एनेस्थीसिया दिया गया, और जो प्राइमरीली जो पता चल रहा है, देख करके हिस्ट्री से पता चल रहा है, वो यही कि जब उनको बेहोशी की सुई दी गई उस समय वो कार्डियक अरेस्ट में चली गई। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए लोगों ने सीपीआर वगैरह दिया होगा, बचाने की कोशिश की थी ऐसा लगता है, क्योंकि रिप्स वगैरह भी फ्रैक्चर दिख रहे हैं। रिप्स जब चेस्ट को आप दबाते हैं तो रिप्स को दबाते हैं तभी सांस के लिए होता है, प्रोसेस होता है, ऐसी कंडीशन में उनको बचाया नहीं जा सका, प्रयास किया। सर चेस्ट के दबाने के दौरान पूरा जख्म लगा हुआ, पूरा बना हुआ है, क्या है? ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, नीला नीला, वो खून की वजह से होता है ऐसा सर। लेकिन ऐसा होता है जब सीपीआर आप देते हैं उस समय स्थिति ऐसी रहती है कि अगर एक आध पसली टूट भी जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी है, मरीज को बचाना पहला धर्म होता है, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन ये लोग मरीज को बचा नहीं पाए। ये मामला हुआ सर, क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब इस मरीज की जो डिजीज है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करी जाएगी। ये जो तीन मरीज यहाँ पर हैं, जो यहाँ बाकी के तीन मरीज हैं, ये ऑपरेटेड है पहले से जी, इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन इनको हम लोग जिला चिकित्सालय के लिए अभी रेफर कर दें।